आने वाले समय में खाद्य तेल की कीमतों में और राहत मिल सकती है। दरअसल खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने विदेशी बाजारों के संकेतों को देखते हुए ये अनुमान जताया है कि देश में पिछले कुछ महीने में खाद्य तेल की कीमतों में कुछ कटौती की गई है, लेकिन कीमतें अभी भी ऊंचे स्तरों पर ही हैं। खाद्य सचिव ने विदेशी संकेतों को देखते हुए मीडिया से कहा है कि विदेशी बाजारों में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इससे उम्मीद बन गई है कि आने वाले समय में खाद्य तेल की कीमतों में और गिरावट देखने को मिलेगी। हाल ही के दिनों में विदेशी बाजारों में खाद्य तेल की कीमतें घटी हैं, लेकिन जाड़े और शादियों की मांग की वजह से घरेलू बाजारों में खुदरा कीमतों में और राहत नहीं मिली है। ऐसे में आने वाले समय में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक खुदरा और थोक बाजार में सूरजमुखी और सोयाबीन तेल आयात भाव के मुकाबले भारी अंतर से महंगे बिक रहे हैं। सूरजमुखी तेल का भाव लगभग 25% ऊंचा है, जबकि सोयाबीन तेल लगभग 10% ऊंचा बिक रहा है, जबकि विदेशी बाजारों में सूरजमुखी तेल सोयाबीन तेल से $35 प्रति टन नीचे है। वहीं सूरजमुखी तेल में तेजी का कारण इसके स्थानीय उत्पादन का नहीं होना और कोटा प्रणाली की वजह से आयात पर्याप्त मात्रा में नहीं होना है। इसी कम तेल सप्लाई के कारण सोयाबीन तेल भी लगभग 10% महंगा हो चुका है। वहीं बजट पूर्व बैठक में किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार को पाम तेल की बजाय सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी जैसे स्थानीय तिलनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता घटे और कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। वहीं हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार भारत का खाद्य तेलों के आयात पर खर्च अक्टूबर 2022 को समाप्त होने वाले तेल वर्ष में 34.18% बढ़कर 1,57,000 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि मात्रा के संदर्भ में यह 6.85% बढ़कर 140,03,000 टन रहा। खाद्य तेल उद्योग निकाय सी ने यह जानकारी दी है कि सोलवेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार दुनिया के प्रमुख वनस्पति तेल खरीदार देश भारत ने तेल वर्ष 2020-21 में 1,17,000 करोड़ रुपए का 131,03,000 टन खाद्य तेलों का आयात किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।